press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन नकल करवाने का मामला सामने आया है। मामले में कामयाबी हासिल करते हुए एसओजी की टीम ने बीती देर रात को जयपुर में ऑनलाइन नकल गिरोह से जुड़े करीब 6 से 7 युवकों को हिरासत में लिया है। ये युवक हरियाणा और एमपी के बताए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पहली बार कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए पीएचक्यू ने एफटेक कंपनी को ठेका दिया था। यह परीक्षा गत 7 मार्च से शुरू हुई थी, जो कि 45 दिनों तक चलनी थी। इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर में कई इंस्टीट्यूट में एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, जिनमें 3 पारियों में अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा ली जानी थी। इन परीक्षा केंद्रों में एग्जाम के करीब 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता था। पिछली 6 परीक्षाओं के दौरान एसओजी को शिकायत मिली कि एक प्रोफेशनल नकल गिरोह इस ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल कर नकल करवा रहा है। इसके बाद आईजी दिनेश एमएन के निर्देशन में एसपी एसओजी संजय श्रोत्रिय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने निगरानी रखी। शिकायतें सही पाई जाने पर बीती देर रात को जयपुर के मालवीय नगर इलाके से एसओजी ने नकल गैंग से जुड़े संदिग्धों को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि नकल कराने वाले ये गैंग मालवीय नगर में एपेक्स सर्किल स्थित एक इंस्टीट्यूट से चलाया जा रहा था, जिसमें गैंग ने ऑनलाइन एग्जाम के सिस्टम को हैक कर अभ्यर्थियों को नकल करवाई।